चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जी चीफ जस्टिस काजी फैजी सा अहम मुलाकात लाहौर हाईकोर्ट के आरोज बाबत हुक्मनामे आम चूंडन के मामले बाबत पैदा थियल सूरत हाल से गाल बोल मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक जस्टिस एजाज अहसन अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी शरीक जरियन मौजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस से दावत से सुप्रीम कोर्ट आयो आई हुन जजन के लाहौर हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर बाबत आगाह कियो। सुप्रीम कोर्ट अगुणे जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी बाबत केस में अगुणे डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद समेत चार जणन के नोटिस जारी कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगुणे चीफ जस्टिस अनवर सुप्रीम कोर्ट के अगुणे रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ ब्रिगेडियर रिटायर इरफान रामी के भी नोटिस जारी शौकत सिद्दीकी की बरतरफी बाबत केस की सीधी रीत बुधनी थी जो जनवरी तीन मुलतवी कई वही चीफ जस्टिस रिमार्क्स ना तो शौकत सिद्दीकी कुछ मानों ते संगीन इल्जाम लगाया हैं। अदालत समझे थी तो जिन ते इल्जाम लगा उन्हें जवाब जो मौको दिनों वे जैसे अवजा इल्जाम दुरुस्त आन तो उ जर्नल्स कहजा सहूलतकार बणजन चाहन पाया जवजा इल्जाम दुरुस्त आन तो उ वजीर आजम के हटाए कें बे के आन चाहन पाया तो वो केर है चाको फौजी ऑफिसर पाण वजीर आजम बणजन चाहे पो सुप्रीम कोर्ट के कें मकसद ला इस्तेमाल कर इजाजत न दींदी अगुणे आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा बाबत गाल बोल तो बुधल है कमर जावेद बाजवा शौकत सिद्दीकी सा सीधी रीत का गाल न कई हुई शौकत सिद्दीकी नालो फैज हमीद खो मसलो यो है तो को भी इदारों कम कर तैयार ना है असा आईनी इदार के हुक्म दिनों तो चूंडू कराने की जिम्मेवारी पूरी करो असा बिना सबब के मानून के नोटिस न दींदा सुभाने असा जो मजाक न बनाजो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो अमेरिका जो दौरो अमरीकी अहदेदारन अस्करी इख्तियारन सा मुलाकातू बेतरफन लागापन आलमी खिते की सलामती के मामलन ते ख्यालन जी डे वट आलमी तकरारन ते भी गाल बोल कई वही आर्मी चीफ कश्मीर मसले के सलामती काउंसिल के ठहराव मौजिब हल करण की अहमियत के उजागर कर दहशतगर्दी के खात्मे दिफाई सहकार के शोबन के बुनियादी अहमियत दिनी वही आर्मी चीफ जो चवण है तो परडेह में रहंदड़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में इज्जत की नजर से दिठो वो है अमरीका पाकिस्तान लाए सब का वही एक्सपोर्ट मार्केट है समुंड पार पाकिस्तानी पाकिस्तान जहा सफीर असासो है। वाला कश्मीर के हवाले से को भी एक तरफो कदम कें भी सूरत में कबूल करण जोगो ना है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रद्द कयूं था कश्मीर मसले जो हल गडियल कौम के ठहराव मुताबिक थियण घुर्जे निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकर जी मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आई शागिर्दन से गालू सन चवण है तो का भी अदालत कश्मीर का सदन हक नहीं खटे सके कश्मीरी शहीद की कुर्बानी के कदें भी विसारे नो विसारे सके सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई बिना दे रोक के इस्तदा रद्द कर छी अदालत है तो इन बेंच का स्टे ऑर्डर घुरी रहा है जहां अवा मौजूद जोड़ी ना वही असि मर्जी या खुशी से केस बुधण न आया केस की बुधड़ी 8 जनवरी तई मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट कौमी असेंबली के बिन तकन एन ए पंटी एन ए छटी की तकबंदी के कलदम करार दई छो चीफ जस्टिस पारा फैसलो जारी इलेक्शन कमीशन के सभी धुरन के बीहर बुधी नए सिर तकबंदी करण की हिदायत। चीफ जस्टिस चई चुको है तो 8 फेबरवरी ते इलेक्शन पत्थर ते लकीर है छा इलेक्शन कमीशन जो किरदार भी सुप्रीम कोर्ट के अदा करणो पवंदो साफ ई शफाफ इलेक्शन जरिए जेका जमायत कामयाब थींदी उनके तस्लीम कंदासी रात की ऊंदाहे में जेकॾहिं ऑर्डिनेंस जारी थी सके तो चूंडन जो शेड्यूल छो नथो जारी थी सके पीपी अखबार फैसल करीम कुंडी जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस संदस चवण है तो हू पहिरियां चवंदो हो तो मुखे छो कढ़ियो वियो हाणे पुछी रहियो आहे तो मुखे छो घुरायो वियो आहे इहा ॻाल्हि वाज़े थी वई आहे तो नून लीग ऐं पीटीआई हिकु पेज ते आहे।
लाहौर हाई कोर्ट आम चुनने लाए ब्यूरोक्रेसी की खिदमत खिलाफ़ दरख्वास्त से लार्जर बेंच जोड़े छड़ी। जस्टिस अली बाकर नदवी की सरबराई में लाहौर हाई कोर्ट की पंज रुकनी लार्जर बेंच 18 दिसंबर से दरख्वास्त से बुधनी कंदी। सिंगल बेंच आम चुनने लाए ब्यूरोक्रेसी जो खिदमतू वापस वठण वो इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर हो दरख्वास्त से लार्जर बेंच जोड़ने की सिफारिश कई हुई। लाहौर हाई कोर्ट पीटीआई के अगूड़े चेयरमैन की तोशाखाना केस में नाअहली खिलाफ दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी करे छड़ा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में पंज रुकनी लार्जर बेंच दरख्वास्त की बुधड़ी कई। अदालत तहरीक इंसाफ के बीहर इंट्रा पार्टी इलेक्शन खिलाफ धुरियन के नोटिस जारी करे छड़ा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत गैर शरई निकाह केस में पीटीआई के अगूड़े चेयरमैन के अदालत तलब कर वरतो। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अगूड़े पीटीआई चेयरमैन बुशरा बीबी खिलाफ गैर शरई निकाह वाले मामले बाबत केस की बुधनी थी। अदालत बुशरा बीबी की एक डी की हाजिरी का छूट वाली दरख्वास्त मंजूर कर वरती। केस की ईंदड़ बुधनी 18 दिसंबर से थी। सिंध हाई कोर्ट चीफ सेक्रेटरी के सिंध में भाड़ की खोट खत्म कर आबादगारन के असल कीमत में भाड़ दियण जो हुक्म दे छो। अदालती हुक्म में समूरन डीसी से पाबंदी कई वे तो भाड़ जखीरों कंदड़न खिलाफ़ कार्रवाई कर आबादगारन के असल कीमत से भाड़ फराहम पे वे। वफाकी सिंध हुकूमत डिविजनल कमिश्नर्स बन के नोटिस जारी 10 जनवरी तई जवाब तलब। सिंध के निगरान वे वजीर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर की सदारत हेठ फूड अथॉरिटी के इजलास। निगरान वे वजीर पारा फूड अथॉरिटी के पैनी कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत। निगरान वे वजीर का चवण है कराची शहर में अक्सर रेस्टोरेंट की हालत खराब है। फूड अथॉरिटी का चेकिंग नहीं करे नई बेहतरी आने रही है। वो फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी में मुतमैन ना है। फूड अथॉरिटी 10 दिन अंदर पूरा ऑपरेशनल प्लान ठाए कम करे। नस्ला टॉवर केस में मंजूर कादर काका जो नालो ईसीएल मां कठर की दरख्वास्त। दरख्वास्त की बुधड़ी दौरान अहम अघर आई। अदालत जवाबदारन की दरख्वास्त रद्द कर छी। जवाबदारन के वकील के लागापियल अदालत से राबतो करण की हिदायत। एंटी करप्शन दरख्वास्त के ट्रायल का मंजूर कादर काका जो नालो ईसीएल में विधो वो हो। अदालत मंजूर कादर काका की जमानत वाली दरख्वास्त मंजूर कर वरती हुई। पेट्रोलियम शयन की कीमतों में घटताई जो इम्कान। पेट्रोलियम शयन की कीमतों में फेरफार जो ऐलान अज करो। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ पेट्रोलियम शयन की कीमतों में फेरफार की मंजूरी दी। जरियन का चवण है तो पेट्रोल की कीमत में 10 रुपया घटताई डीजल 12 रुपया सस्तों थियण जो इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक में दहशतगर्दन जो पुलिस लाइन से हमलों 3 पुलिस अहलकार शहीद। टे जख्मी जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मार सिक्योरिटी फोर्सेस पारा क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। लाड़काने के अलाहाबाद थाने की हद दाया चौक पटा नींगरी पुरस्कार नमूने गुम। नींगरी आयशा खुलियो की गोल्हा बावजूद 10 पत्तो न पैगी सको सनस बारिश परेशान। हरी मीरवा में नींगरी सा मुबैना ज्यादती जो एसएसपी खैरपुर नोटिस वरतो। केस दाखिल थाड़े ते किरण उर्फ दुआ दस्ती के वाले की फरियाद केस दाखिल बिन जवाबदारन अब्दुल मजीद अई एहसान ते अगवा अई ज्यादती जो केस दाखिल।